केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, और अगर कल की बात करूं तो कल जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में मौजूद थी, जिसमें लोगों को वार्निंग दी गई। और इस वार्निंग में वो लोग आते हैं जिन लोगों ने बैंक से लोन तो लिए हैं लेकिन उन लोन को चुकाया नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं और जितनी भी बैंक की किस्त होती है यानी कि ईएमआई होती है उसको वापस नहीं करते हैं और कई देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं, जिस वजह से उन्हें ये कर्ज वापस देना ना पड़े। अपना जितना भी उन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ जो दिया होता है बैंक में, उन वो नंबर्स को, वो कॉन्टैक्ट जितने भी रहते हैं उन सभी को वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, निर्मला सीतारमण ने कल जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम में एक बातचीत रखी है उसमें इन लोगों को वार्निंग दिया है कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं और उनको अभी तक चुकाया नहीं है तो वो जल्द से जल्द इन लोन को चुका दें, अदरवाइज उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, एक रिकॉर्ड निकाला गया जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन तो लिया है लेकिन उस लोन को चुकाया नहीं है, और 370 और 35 से टूटने के बाद जितने भी यहाँ पर कार्य किए गए हैं, जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स की गई हैं, उस चीज़ को लेकर भी कल निर्मला सीतारमण ने कल बातचीत की है। उसके फायदे बताए हैं कि लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद यानी कि इसके रिवोक होने के बाद क्या कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बातचीत की। कोविड को लेकर किस तरह से सरकार ने परिस्थितियों को संभाला और किस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आई, इस चीज़ को भी लेकर बातचीत की। लेकिन मेन बात जो है वो यही निकली है कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं और अभी तक चुकाए नहीं है वो जल्द से जल्द चुका दे, क्योंकि वो लोग देश के किसी भी कोने में होंगे उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, ये कुछ उनका कहना है। और उन लोगों को ये बैंक की लोन जो है वो वापस करनी ही पड़ेगी। जो केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो आने वाला बजट सेशन होगा यानी कि जो आगामी बजट होगा उसमें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को भी तैयार किया जाएगा। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास के लिए कई सारी योजना लेकर आई है जिसका कार्य अभी चल भी रहा है और कुछ जो है वो संपूर्ण भी हो चुके हैं, और लोगों से कहा गया है आप लोग इस जो भी डेवलपमेंट की गई है इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए केंद्र ने कई अभियान भी चलाए हैं और इसका सभी को फायदा उठाना चाहिए। कल की बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें केंद्र मंत्री ने महिला उद्यमियों से भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की और क्या कुछ सिचुएशन है उस बारे में जायजा भी लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं उसकी वसूली जरूर की जाएगी चाहे वो देश के किसी भी कोने में चले जाएं। तो आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप लोगों ने कहीं बैंक से लोन लिया है टाइम टू टाइम उसकी ईएमआई दे, और आप लोगों के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उन नंबर्स को बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि ये कह दिया गया है कि बैंकों से जो कर्ज लेकर ना चुकाने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि बैंक से कर्ज लेकर वो चुकाएंगे नहीं, उन लोगों को कहा गया है कि वो लोग संभल जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कर्ज ना चुकाने वाले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं उनको सरकार को ये वसूली जो है वो करनी ही होगी, यानी कि जो बैंक को है जहाँ से उन्हें लोन लिया है उनको ये पैसे वापस करने होंगे। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को एक विकसित प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र हर एक पॉसिबल कोशिश करता रहेगा, और उसमें पॉसिबल कोशिश सबसे पहले यही रहेगी जिन लोगों का लोन अभी पेंडिंग है, जिन्होंने ईएमआईज नहीं दी है उनको ये वापस जल्द से जल्द करना होगा, देश के किसी भी कोने में चले जाएं उनको ये वापस वसूली जो है उनसे बैंक की ओर से ज़रूर की जाएगी। ये कुछ जो है चेतावनी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है लोगों को, और आप लोगों को भी अपडेट देने का यही पॉइंट था कि अगर आप लोगों ने कोई बैंक से लोन लिया है उसकी ईएमआई आप नहीं चुका रहे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द चुका दें, नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। और कल निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा, हर एक पॉसिबल कोशिश की जा रही है, उसके हर चीज़ में हम लोग साथ हैं और जितनी भी पॉसिबल कोशिश होगी बाकी लोग भी उतनी ही करते रहेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।